हम जो ये पिरामिड बना रहे हैं ना, इस पिरामिड में आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 फाइव रो है राइट, और कॉलन कितने हैं, पहले रो में एक कॉलन है, दूसरे रो में दो कॉलन है, तीसरे रो में तीन कॉलन है, चौथे रो में चार कॉलन है, पांचवें रो में पांच कॉलन है। ये समझ सकते हैं कि जितना रो है उतना ही कॉलन होगा राइट, रो जितना रो का नंबर, रो नंबर 3 है इसके अंदर 3 कॉलन होंगे। तो हमने वीवीए प्रोग्रामिंग में फोर लूप लगाया और फोर लूप में मैंने नेक्स्ट फोर लूप में हमने फोर आर इक्वल टू 1 5 रो के लिए कर दिया, और एक और लूप इसी के अंदर लगाते हैं जो चलेगा फोर सी इक्वल टू वहां पे 1 2 आई। अच्छा आर 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 दिया आपने जी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स, और सेल्स में 1,0 नहीं 1, नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे आर रो हो जाएगा और कॉलम सी हो जाएगा डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट समझ गए। अच्छा ए कैसे होगा, आइडिया लगाइए। चलिए इसमें स्टार्टिंग पोजीशन A1 सेट कर सकते हैं कहीं पे भी, कहीं भी सेट करते हैं वहाँ पे। हाँ सेट कर सकते हैं, ये स्टार्टिंग पोजीशन सेट नहीं, आपको रो में वो उतना ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे ए बनाना है, तो इसमें क्या है ना कि स्टार्टिंग में 5 4 3 2 इसका कॉल आर तो सेम रहेगा, कॉलन घटेगा ना जी जी, तो इसमें हम 6 - C कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, नहीं नहीं हाँ 6 - C, हाँ 6 - C सही है। अब इसको रन करते हैं, बस ये उल्टा हो गया इधर से, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इसमें हमें हमें क्या करना है, 6 - C नहीं रखना है, ये मुझे यहाँ पे जो मैं 1 2 R है ना, इसमें हम कर देते हैं 6 - R ठीक है। अब इसको यहाँ डिलीट कर देते हैं, ठीक है समझ में आया सर। तो आपको क्या करना है कि जो लूप है ना, इसी लूप के अंदर थोड़ी बहुत हेर फेर करनी है और करके ये पूरा कोश आकृति जो है वो आपको बनाना है।